प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर SWNU। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप यहां पर आए। हमारा कहना यही है कि जो अडानी वालों की जो गुंडागर्दी चल रही है, काफ़ी वक्त से ये गुंडागर्दी चल रही है कि डायरेक्ट सुबह 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, रात में 11 बजे, 12 बजे, कभी भी उनका दिल करता है वो यहाँ पर आते हैं हमारे इलाके में और डायरेक्ट घर में घुस जाते हैं। सुबह में घर में कैसे हमारे घर की जो हमारी औरतें, हमारी माँ और बहनें, वो किस हालत में हैं या वो क्या कर रही हैं, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं, वो टक टक दरवाज़ा खटखटाते और डायरेक्ट घर में घुस के ऊपर नीचे सब जगह बिना कोई एविडेंस के वो लोग तलाशी लेते हैं। तो ये बहुत गलत है। अगर कोई पुलिस वाले को भी अगर या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को भी हमारे घर के अंदर आना है तो उसको सबसे पहले एक सर्च वारंट वो लेकर आता है या फिर अरेस्ट वारंट लेकर आता है, उसके बाद ही वो हमारे घर के अंदर घुस सकता है। लेकिन ये अडानी वाले जो कि प्राइवेट लोगों को हायर करके रखे, गुंडे लोगों को, चरसी गर्दुल्ले इस टाइप के लोग है, बटन शर्ट के खुले हुए, गुटखा मुँह में है और बात करने का तरीका नहीं है, हमारी माँ और बहनों से उल्टी सीधी बात करते हैं और इस तरह से गुंडागर्दी हमारे इलाके में काफ़ी वक्त से चल रही है। हमारी माँ और बहनें इससे बहुत परेशान हैं और इसलिए आज हम लोग यहाँ पर जमा हैं। अगला कदम क्या होगा जब इस तरह से आप वो लोग नहीं मानेंगे, तो अगला कदम आप क्या उठाने वाले हो? अगला कदम हमारा यही है कि अगर वो लोग हम अभी है ना लेटर वगैरह देने वाले हैं, CM साहब को भी हम लोग लेटर भेजने वाले हैं, हमारे साथ में जो भी हमारी माँ और बहनें जुड़ी हुई है सबका साइन लेकर हम लोग लेटर भेजने वाले हैं। उसके अलावा बहुत सारी समस्या और भी है अडानी कंपनी की तरफ से कि बिना कोई नोटिस दिए ये लोग कानून का भी पालन नहीं कर रहे, बिना नोटिस दिए मीटर काट देते हैं, अगर कोई चोरी करते हुए पकड़े जाता है तो उनके ऊपर फाइन अंधाधुन जैसा उनको समझ में आता है वो डाल देते हैं कि चोरी अभी कर रहा है लेकिन वो पिछले 1.5 साल 2 साल का भी उसके ऊपर बिना कोई कैलकुलेशन के वो लोग 2 लाख 3 लाख 1.5 लाख ऐसा फाइन डाल देते हैं। बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, बिल ज़्यादा आने की वजह से हमारे इलाके के लोग परेशान हैं कि 7,000, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 तक भी बिल आ रहा है हमारे इलाके में। तो हमारा जो इलाका है, डेली खाने और कमाने वाले लोग हैं यहाँ पर ज़्यादातर, कोई बहुत पैसे वाले करोड़पति लोग नहीं है। और यही आप देखेंगे वेस्टर्न की तरफ, सेंटर की तरफ, बांद्रा और बाकी इलाकों में देखेंगे तो वहाँ पर जो फ्लैट में रहने वाले लोग हैं, बड़े बड़े लोग, उनके बिल जो है 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 इस तरीके के उनके बिल आते हैं। लेकिन जो गरीब इलाका है वहाँ पर बिल बहुत ज़्यादा है और मेरी सरकार से भी मांग है कि इसकी इंक्वायरी होना चाहिए कि ये लोग बिल क्या हिसाब से भेज रहे हैं और हमको ऑप्शन मिलना चाहिए, टाटा रिलायंस और भी तरह की कंपनी का ऑप्शन हमको मिलना चाहिए ताकि इनके बीच में कंपटीशन रहे और हमें सस्ती बिल लाइट मिलना चाहिए। उसके बाद सरकार से भी हमारी ये गुहार है कि हमको सब्सिडी दे सरकार, जैसा कि बाकी स्टेट में सब्सिडी दे रही है जबकि वहाँ का बजट बहुत कम है, हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बजट बहुत ज़्यादा है, 8-10 गुना ज़्यादा है दिल्ली से, लेकिन हमको सब्सिडी नहीं मिल रही है, 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री देना चाहिए। मेरा नाम किश्वर है और मैं लोटस एच ब्लॉक से बात कर रही हूँ, महिला मंडल की अध्यक्ष हूँ मैं। और मेरी मांग ये है कि ये जो अडानी वाले हैं ये लोग कोई भी वक्त पे आ रहे हैं, इनका कोई एक टाइम नहीं है और कोई भी वक्त पे आके ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमारे घरों में आ रहे हैं। और ये जो चोरी चोरी की जो बात हो रही है तो चोरी किसी को नहीं करना, ये यूनिट इतना ज़्यादा मतलब किसी का कुछ मालूम नहीं कितना भी ये यूनिट डाल दे रहे हर महीने और यूनिट के चार्जेस इतने बढ़ा दिए हैं तो लोग क्या करेंगे। हम लोग सलम एरिया में रहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से है और यहाँ पर लोग हाँ और यहाँ पर सब किराए के लोग ज़्यादातर लोग रहते हैं। तो मेरी ये मांग है कोई चोरी या जैसे कह रहे ना कि कोई चोरी नहीं करना चाहता यहाँ पे, लीगल तरीके से जैसा आपको बिल देना है आप दें, हम लोग भरने के लिए तैयार हैं जो भी यहाँ पे रहते हैं हम लोग। मेरा नाम शफीक है, ये एक्चुअली अडानी का ये हम लोग बार बार फेस करना हो रहा है, हम लोग उन लोग उठे सुठे कभी भी आ जाते हैं, कोई टाइमिंग नहीं है ऑफिस आवर्स का, कुछ नहीं, हॉलीडेज के टाइम पे भी अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock के आसपास में उन लोग ऐसे आ जा रहे हैं, बल्कि ये ऐसे रेसिडेंशियल पे ऐसा मतलब एंटर करना ये मतलब ठीक नहीं है, फिर भी उन लोग ऐसे आ जाते हैं। और इसकी उन लोग रीज़न क्या बताते हैं कि आप लोग मीटर में जो है ना डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, मीटर में डिस्टर्बेंस एक तो हो रहा नहीं है, यहाँ पे जो भी ऑरेंज वाले मीटर है वो ऑलरेडी है ना वो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बट इन लोग चेंज भी नहीं करते। काफ़ी सारे हमारे ऐसे केसेस है जो मीटर चेंज करने का भी मतलब ईमेल भेजा गया, तो अभी काफ़ी मंथ भी हो गया बट उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई मीटर चेंज नहीं। अब ये गलती का मतलब ये कौन करेगा, ये भी हम लोग के ऊपर है, फिर आप लोग तो चार्ज पे कर रहे हो, बिल भी मतलब पे इतना हाई कर रहे हो, तो ये सब नौबत अभी कोई अगर सपोज कर रहा है जैसे चोरी की लाइट ले रहा है, ऐसे नहीं बोलूँगा कोई जो भी कर रहा है XYZ, बट उसमें इतना हाई बिल हो रहा है इसलिए उन लोग उस वो चीज़ पे शिफ्ट हो रहे हैं।
अगर आप लोग बराबर से यूनिट प्रॉपर अगर जितना यूज हो रहा है उस हिसाब से भेजोगे तो इतना यूनिट हाई होएगा, तो फिर वो मजबूरन कुछ ऐसे जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, और मतलब इसके लिए उन लोग उस चीज़ पे जा रहे हैं। अगर आप प्रॉपरली यूनिट अगर प्रॉपरली जैसे यूसेज हो रहा है, अगर आप एक घर में देखोगे एक ट्यूब दो ट्यूबलाइट या तीन ट्यूबलाइट, एक फैन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, तो उसके हिसाब से अगर यही चीज़ सेम अच्छे हायर क्लास वाले जो सोसाइटी के उन लोग यूज़ करते हैं तो उनका बिल नॉमिनल 1500 आता है, 2000 आता है, और यहाँ पे अबाउट 3000 आता है। कितना फ़र्क है, डबल का फ़र्क है। तो फिर ये सब क्लियर करना चाहिए ना। क्या लगता है आपको ये बिल क्यों इस तरह से बढ़ के आते हैं? ये बिल का भी ये तो उन लोग की मनमानी है, हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं, तो जैसा उनको मन लगता है वैसा उन लोग। और ये स्लम एरिया में ही होता है और खास करके हमारे एरिया में ही होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि इसको ठीक करो, क्लियर करो। कहीं ना कहीं मीटर लगाने का कोई फायदा जनता को नहीं मिलता? नहीं, मीटर लगा देगा कोई फायदा नहीं मिलता है। और मेन सबसे ज्यादा इशू आप देखोगे ये जो इन लोगों ने संडे को रेट मारा है उसमें आप अगर चेक करोगे ना अडानी में, मैक्सिमम ऑरेंज मीटर मिलेगी आपको। अब यही काम इन लोग अगर पहले करके ये मीटर चेंज, अगर इसमें कुछ ऐसा छेड़खानी हो रही है तो अगर न्यू चेंज कर दे, जड़ को खत्म करो ना, ये क्या मतलब बार बार उस चीज को, बल्कि ऑलरेडी इसमें प्रॉब्लम है उसमें। मेरा नाम है कुरेशी रोशन आरा, और संडे का दिन था सुबह सुबह का, तो हम लोग सब सोए लेते नीचे, तो मेरा दरवाज़ा ठोके आके, तो मैंने दरवाज़ा नहीं खोली, मतलब पता नहीं कौन है। उसके बाद में मैंने दरवाज़ा नहीं खोली तब तक वो मेरे दूसरे माले पे ऊपर पहुंच गए, तो मेरे को फ़ाइन मारे थे इन लोग ने पहले, तो उसके बावजूद भी मेरे को दोबारा से फ़ाइन लगा और ऊपर चढ़ गए। वहाँ पे मेरी बेटी लोग सो रहे थे ऊपर, लड़की है मेरी, जवान सो रही थी। मैं जब तक लाइटर निकाले तक के वो मेरे ऊपर माले पे चले गए, तो मैंने पूछी कि मेरे को तो फ़ाइन लगा था, तो फिर वापस आप मेरे ऊपर घर पे क्यों चढ़े? तो बोले नहीं, अभी तुमने 2 महीने का लाइट मतलब भरे नहीं, तुमने बिल नहीं भरे इसके लिए। मिली सर, मेरा मीटर से लाइट चालू है, मेरा 22,000 रुपये महीने का 2 महीने का मेरा बिल आया है। तो उनको बिल भी मैंने दिखाई, मगर फिर भी उन्होंने नहीं माने, फिर भी उन्होंने मगर पेपर वगैरह बना लिए और जैसा साइन वगैरह ले लिए, तो बोले अभी तुमको दोबारा से फ़ाइन आएगा। तो मेरा कहने का मतलब, मुझे एक बार फ़ाइन लग चुका था तो दोबारा मेरे को फ़ाइन नहीं लगना चाहिए था। जब आप लोग ही बोले कि आपको फ़ाइन लग चुका तो आप किसी की भी मीटर से आप लाइट ले सकते हो, तो मैंने आपके बोलने से दूसरे के मीटर से लाइट लगाई और मेरे को बिल भी आया। उसके बावजूद भी इन लोग ऊपर चढ़ के मेरे घर पे 2 माला 3 माले पे ऊपर चढ़ के इन लोग ने पूरा यानी कि चेक करने के बावजूद भी इन लोग ने मेरे को फाइन दोबारा से मारे। अभी फाइन आया नहीं है, फाइन आएगा अभी मोबाइल के ऊपर, मोबाइल नंबर। मीटर की मांग किया था? मीटर की मांग हमने किए थे कि हमारा मीटर है नहीं था, लेकिन हमने अप्लाई कर दिए थे मीटर की, और हमने उनको बोले भी कि हमारा पैसा पूरा रेडी भरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे को फाइन मारा। क्या मांग करना चाहेंगे? क्या अभी मांग ये कर अदानी के ऊपर के जो ऑफिसर्स है उनको क्या बोलना चाहेंगे कि आपके साथ जो उनके वर्कर है किस तरह से जाती कर रहे हैं? वो हमारे साथ ज्यादा जास्ती कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं, घरों में घुस जा रहे हैं, खिड़कियों में से झांक जा रहे हैं, छपरे पे चढ़ रहे हैं, छपरे तोड़ दे रहे, जो छपरे टूटते उनको बोलते हैं कि छपरा हमारा छपरा टूट जाए तो हम बना के दे देंगे आपका छपरा। इतनी लंबी लंबी सीढ़ियां लगाते हैं, ऊपर से चढ़ जाते हैं, ऊपर से खड़े रह के खिड़कियों में झांकते, किसके घर में क्या वायर लगाए, क्या किसके घर में माँ बेटी बहने सब सो रही है, खा रही है, बैठी किस तरह से लेटी हुई है। तो उनको कोई मतलब ये नहीं है कि हम ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी किसी तरह से भी कहीं से भी चढ़ जाते, रात देखते ना दिन देखते, कभी भी ये लोग हमारे घरों में घुस रहे, तो हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए। अगर हमारे साथ ये नहीं बंद हुआ तो हम आगे कदम दूसरा उठाएंगे। हमारे घर काफी टाइमों से ये चीजें चल रहा है, काफी टाइम से मतलब बता नहीं सकती कि साल भर के ऊपर से ये चीजें हो रही है कि जब दिल कर रहा है ये लोग को घर में घुस रहे हैं, घर में चेक करना है, ये बड़ी बड़ी सीढ़ियां लाते हैं, ये लोग टाइम नहीं देखते, टेबल नहीं। अभी कुछ जरूरत से अब जो हो रहा है बीच में से, अभी ये एक आध महीने से कुछ जरूरत से ज्यादा गुंडागर्दी हो रही है। बोलने पे कहते हैं कि हम जब उनसे पूछते कि आपके पास परमिशन है तो वो परमिशन है बोलते, जब हम बोलते दिखाओ तो वो अपने सीनियर को बुलाते हैं, तो जब ये अपने सीनियर को बुलाते हैं वो सीनियर के पास भी परमिशन नहीं होता है, तो ये फाइन भी मारते रहते, बेधड़क मारते रहते। और जिनकी कमाई अगर 20,000 है 15,000 है तो ये फाइन कितना भर पाएगा इंसान? 85,000 है हमारे को मारे लाए, तो 85,000 में हम खाएंगे या इनको देंगे?
तो आपने उसके अगेंस्ट उसके ऑफिस में जाके आपने कंप्लेंट किया है कि हमारे को सैटरडे मारे है, अभी तो आज जाने का था, कल हम गए थे लेकिन सर नहीं मिले जगह पे, इसीलिए आप लोग की मदद हम चाहते हैं कि आपके मदद के द्वारा हम लोग जैसे आतिफ भाई हमारे हैं, हम इनके पास से अपनी ये लेके गए कि हमारे पास भी ये कंप्लेंट है कि देखो ये हमारे मोहल्ले में ये हो रहा है और ज़रूरत से ज़्यादा गुंडागर्दी हो रही है।